उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में है कामेश्वरम धाम। इस धाम के बारे में मान्यता है कि यह शिव पुराण में वर्णित वही जगह है जहां भगवान शिव ने देवताओं के सेनापति कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था। यहां पर आज भी वह आधा जला हुआ हरा भरा आम का वृक्ष है जिसके पीछे छिपकर कामदेव ने समाधि में लीन भोलेनाथ को समाधि से जगाने के लिए पुष्प वाण चलाया था। नमस्कार दोस्तों, मधु सरस चैनल पर आपका स्वागत है। भगवान शिव द्वारा कामदेव को भस्म करने की कथा शिव पुराण में इस प्रकार है। भगवान शिव की पत्नी देवी सती अपने पिता द्वारा आयोजित यज्ञ में अपने पति भोलेनाथ का अपमान सहन नहीं कर पाती है और यज्ञ वेदी में कूदकर आत्मदाह कर लेती है। जब यह बात शिव जी को पता चलती है तो वे अपने तांडव से पूरी सृष्टि में हाहाकार मचा देते हैं। इससे व्याकुल सारे देवता भगवान शंकर को समझाने पहुंचते हैं। महादेव उनके समझाने से शांत होकर परम शांति के लिए गंगा तमसा के इस पवित्र संगम पर आकर समाधि में लीन हो जाते हैं। इसी बीच महाबली राक्षस तारकासुर अपने तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके ऐसा वरदान प्राप्त कर लेता है कि जिससे कि उसकी मृत्यु केवल शिव पुत्र द्वारा ही हो सकती है। यह एक तरह से अमरता का ही वरदान था क्योंकि सती के आत्मदाह के पश्चात भगवान शिव समाधि में लीन हो चुके थे। इसी कारण तारकासुर का उत्पात दिनों दिन बढ़ता जाता है और वे स्वर्ग पर अपना अधिकार करने की चेष्टा करने लगता है। यह बात जब देवताओं को पता चलती है तो सब चिंतित होकर भगवान शिव को समाधि से जगाने का निश्चय करते हैं। इसके लिए वो कामदेव को सेनापति बनाकर यह काम कामदेव को सौंपते हैं। कामदेव महादेव के समाधि स्थल पहुंचकर अनेक प्रयत्नों द्वारा महादेव को जगाने का प्रयास करते हैं जिसमें अप्सराओं के नृत्य इत्यादि भी शामिल होते हैं, पर सब प्रयास बेकार जाते हैं। अंत में कामदेव स्वयं भोलेनाथ को जगाने के लिए खुद को आम के पेड़ के पत्तों के पीछे छिपा लेते हैं और छुपकर शिवजी पर पुष्प वाण चलाते हैं। पुष्प वाण सीधे भगवान शिव के हृदय में लगता है और उनकी समाधि टूट जाती है। अपनी समाधि टूट जाने से भगवान शिव बहुत क्रोधित होते हैं और आम के पेड़ के पत्तों के पीछे खड़े कामदेव को अपने त्रिनेत्र से जलाकर भस्म कर देते हैं। लेकिन कामदेव के भस्म होने के बाद उनकी पत्नी रति को असमय ही वैधव्य सहना पड़ता है। अपने पति की मृत्यु से दुखी होकर रति ने भगवान शिव की आराधना की। इसके बाद जब शिव जी अपने निवास स्थान पर लौटे तब रति ने उन्हें अपनी व्यथा का ही पिछली बातों का स्मरण कर भगवान शिव ने जाना कि कामदेव निर्दोष हैं। कामदेव ने तो सिर्फ देवताओं और माता पार्वती का सहयोग किया था। इसके बाद शिव जी ने कामदेव को जीवित कर दिया और उन्हें नया नाम दिया मानसिज। कहा कि अब तुम अशरीरी रहोगे। उस दिन फागुन की पूर्णिमा थी। उसके बाद आधी रात को लोगों ने होलिका दहन किया। सुबह तक उनकी आग में वासना की मलिनता जलकर प्रेम के रूप में प्रकट हो गई। कामदेव अशरीरी भाव से नए सृजन के लिए प्रेरणा जगाते हुए विजय का उत्सव मनाने लगे। यह दिन ही होली का दिन होता है। कई इलाकों में आज भी रति के विलाप को लोक धुनों और संगीत में उतारा जाता है। वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।